देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिजली का, इसको कहते हैं चंपला, विद्युत चंचला, दामिनी, तड़ित। उसके बाद पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, गिरिराज, कुमारी, सती, अंबिका, शैलसुता, ईश्वरी, रुद्राणी, आर्या, अभया, सर्वमंगला, शैलसुता, हेमवती। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सूर्य के पर्यायवाची, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, पतंग, आदित्य। और उसके बाद है कमल। कमल के पर्यायवाची हैं उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पद्य, नलिन, सरोद, अरविंद, सतपत्र, सरसिज, सतदल, सरसी, रूह, राजीव, कंज, अंबुज, पंकज, अंबुज, पयोज, पुंडरीक, वारिज, सरोरुह, जलज, नीरज, कोकनद। और उसके बाद है निशीथ। निशीथ का मतलब होता है रात, रैन, रात्रि, रजनी, निशा, छपा, यामिनी, विभावरी, सर्वरी, तमी, तमी, त्रिवामा, तमिश्र, तमस्रा, विभा। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जंगल। जंगल को हम समानार्थी शब्दों में इस प्रकार से कहेंगे विपिन, कानन, बन, अरण्य, कांतार, अटवी। उसके बाद क्रोध। क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं कोप, अमर्ष, गुस्सा, रोष, आक्रोश, प्रकोप, तैश, क्षोभ। और उसके बाद जो है प्रमुख शब्द अगले वीडियो में आपको मिलेंगे साथियों।